नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 14 अप्रैल गुरुवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान सरकार ने देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 69 IAS अफसरों के तबादले किए हैं। करौली हिंसा के 10 दिन बाद कलेक्टर को बदल दिया है। करौली कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत को हटाकर उन्हें अब विभागीय जाँच आयुक्त लगा दिया है। अंकित कुमार सिंह को अब करौली कलेक्टर के पद पर लगाया है। 3 संभागीय आयुक्त और 5 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। करौली के अलावा बांसवाड़ा, अलवर, प्रतापगढ़ और जालौर के कलेक्टर बदले गए हैं। जयपुर, जोधपुर और भरतपुर के संभागीय आयुक्त भी बदले गए हैं। विवादों से घिरे अफसरों को बदल दिया है। अलवर कलेक्टर रहते विवादों में रहे नन्नूमल पहाड़िया का तबादला कर दिया है। विकास सीताराम जी भाले अब जयपुर, जितेंद्र कुमार जोधपुर और सांवरमल वर्मा को भरतपुर का संभागीय आयुक्त लगाया है। प्रकाश चंद शर्मा को बांसवाड़ा, अंकित कुमार सिंह को करौली, नकाते शिव प्रसाद को अलवर, सौरभ स्वामी को प्रतापगढ़ और निशांत जैन को अलवर कलेक्टर के पद पर लगाया है। मेयर सौम्या गुर्जर से तनातनी के बीच आयुक्त यज्ञ मित्र सिंह देव का तबादला कर दिया है। यज्ञ मित्र को राज्य मानवाधिकार आयोग के सचिव के पद पर लगाया है। ग्वालियर की छात्रा की हत्या करने वाले साइको सीरियल किलर मिंटू उर्फ विक्रांत को राजस्थान पुलिस ने पकड़ा है। आरोपी 20 से 22 साल की लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर उनके साथ सेक्स करता था। जब मन भर जाता तो उनकी हत्या कर लाश को ट्रैक पर फेंक देता था ताकि उनकी मौत हादसा लगे। कॉलेज की लड़कियों को फंसाने के लिए वह खुद को इनकम टैक्स ऑफिसर, सेना या पुलिस का बड़ा अधिकारी बताता था। इससे लड़कियाँ जल्दी इंप्रेस हो जाती थी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में उसने 3 लड़कियों की हत्या की बात कबूल की है। इनमें एक ग्वालियर की पूजा है। उसने फोटो देखकर गोला का मंदिर से एक साल पहले अप्रैल 2021 में लापता हुई लड़की की पहचान कर हत्या करने की बात कबूल की है। जयपुर पुलिस से इनपुट मिलने के बाद ग्वालियर पुलिस साइको किलर से पूछताछ करने रवाना हो गई है। 5वीं एवं 8वीं बोर्ड परीक्षा के करीब 84,000 स्टूडेंट्स के लिए राहत की खबर है। निदेशालय ने परीक्षा के समय में आंशिक संशोधन कर दिया है। अब दोपहर में परीक्षा देने नहीं जाना पड़ेगा। शिक्षा निदेशक कानाराम ने गर्मी व लू को देखते हुए परीक्षा के समय में बदलाव के आदेश जारी किए हैं। डाइट प्राचार्य गोविंद सिंह राठौर ने बताया कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 5वीं बोर्ड परीक्षा सुबह 7:30 से 10 बजे एवं 8वीं की सुबह 10:30 से 1 बजे तक होगी। उदयपुर जिले के नाई थान में सगाई समारोह से लौटते समय लोगों से भरी ओवरलोड पिकअप अनियंत्रित होकर 30 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 3 बच्चों सहित 6 की मौत हो गई और 16 लोग घायल हो गए। घायलों में 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने बताया कि काया गांव के पास खपड़पना के रहने वाले लोग सगाई समारोह में कालीवास गांव गए थे। लौटते वक्त पिकअप अनियंत्रित होकर नंदेश्वर महादेव मंदिर के पीछे 30 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में एक 5 साल, एक 6 साल और एक 9 साल के बच्चे सहित 6 की मौत हो गई। मरने वालों की पहचान नहीं हुई है। पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से 16 घायलों को MB अस्पताल पहुंचाया। घायलों में 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। करौली दंगों को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस सरकार पर सीधा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस सरकार की मिलीभगत से ही वहां दंगे हुए हैं। जुलूस की अनुमति सरकार ने दी। पता भी था कि आपत्तिजनक गाने लगाए जाएंगे जिसे प्रशासन रोक सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अशोक गहलोत सरकार से हम न्यायिक जांच एवं नुकसान की भरपाई की मांग कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि सरकार की मिलीभगत से दंगे हुए हैं। सरकार नहीं चाहती तो नहीं होती। कोई भी दंगा बिना सरकार के चाहे हो ही नहीं सकता। भीलवाड़ा जिले के करीड़ा थाना क्षेत्र के मालनास जिंदरास गांव में 5 बच्चों की मां की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पति ने फंदे पर झूलकर आत्महत्या करना बताया, जबकि मृतका के पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर गला घोंटकर हत्या करने की बात कहते हुए थाने में रिपोर्ट दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि मालनास जिंदरास में संपत रैगर की पत्नी इंदिरा रैगर ने फंदे पर झूलकर सुसाइड कर लिया। मृतका की पति संपत ने बताया कि वह घर पर नहीं था। घर पर आया तब इंदिरा मकान के चौक में रोशनदान की जाली से रस्सी से फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया, जिसने उसे नीचे उतारा। पुलिस ने इसकी जानकारी मृतका के पीहर पक्ष को दी। पीहर पक्ष ने मृतका के पति पर हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जोधपुर जिले के सरदारपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने 4 साल पहले एक महिला का अश्लील वीडियो बनाया और फिर उसे ब्लैकमेल करने लगा। महिला जब घर में अकेली होती तो वह उसके साथ दुष्कर्म करता। आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर अब तक उससे 8 लाख रुपए ऐंठ लिए। कुछ दिन पहले महिला को पता चला कि आरोपी ने 2 साल पहले उसकी नाबालिग बेटी का भी नहाते हुए का वीडियो बना लिया है। वह उसे भी शिकार बनाना चाहता और उसके साथ भी छेड़छाड़ करने लगा। पुलिस ने बताया कि महिला ने रिपोर्ट दी है कि उसके पड़ोस में रहने वाले युवक ने 4 साल पहले उसका अश्लील वीडियो बनाया।
वह इन 4 सालों में उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान में भीषण गर्मी से तप रहे लोगों को राहत मिली। जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू, नागौर बेल्ट में तेज आंधी चली और कई जगह बारिश के साथ ओले गिरे। मौसम में हुए इस बदलाव के बाद पश्चिमी राजस्थान के एरिया में तापमान जो दिन में 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, वह गिरकर 36 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेगिस्तानी क्षेत्र जैसलमेर के रामगढ़ में अचानक धूल भरी आंधी चलने के बाद आसमान में काले घने बादल छा गए। इसके साथ ही तेज गड़गड़ाहट के साथ कई जगह हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। ऐसा ही मौसम बीकानेर जिले के नोखा और दूसरे एरिया में हुआ। यहां भी आंधी और बारिश के साथ ओले गिरे। नागौर, जोधपुर के ग्रामीण इलाके, चूरू समेत कई जगह आंधी चली। इससे कई जगह पेड़ पौधे टूट गए। वहीं सड़कों पर गाड़ियों से गुजर रहे लोगों को भी परेशानी हुई। 2 दिन पहले तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे इमरान खान अब मुश्किल में हैं। उनके खिलाफ जांच शुरू हुई है। प्रधानमंत्री की कुर्सी क्या गई, इमरान खान का बुरा वक्त शुरू हो गया। पाकिस्तान सरकार की सबसे बड़ी जांच एजेंसी FIA हीरो का एक हार गायब होने के मामले की जांच कर रही है। इसकी कीमत 18 करोड़ रुपए है। यह हार इमरान को तोहफे में मिला था। इसे सरकारी खजाने में जमा कराने की बजाय लाहौर के एक जौहरी को बेच दिया गया। इमरान के मंत्री खुद इसे बेचने गए थे। सिरोही जिले के सरोगवंश थाना क्षेत्र में फूलबाई खेड़ा में 3 दिन में एक ही परिवार के 3 बच्चों की अज्ञात बीमारी से मौत हो गई। इनमें से भाई और बहन के ने गुजरात में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसकी सूचना पर कलेक्टर और डॉक्टरों की टीम ने क्षेत्र का दौरा किया है। मिली जानकारी के अनुसार फूलाबाई खेड़ा में अज्ञात बीमारी के कारण राजेश और संतोष की गुजरात में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसी परिवार के विपुल की 10 अप्रैल को मौत हो गई थी। अज्ञात बीमारी के कारण फूलाबाई खेड़ा के रूपण माता मंदिर के आसपास लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत की सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।